और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में कैसे बादलों से बरसी मौत। उत्तराखंड में बारिश और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। पिथौरागढ़ के डिडीहाट में बादल फटने से बस्तड़ी गांव में 10 मकान मलबे में दब गए हैं। यहां 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है। आईटीबीपी, एसएसबी और पुलिस की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस कदर वहां पर हालात हो गए हैं। अब तक 3 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। मलबे में बचे बाकी लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। वहीं चमोली में भी भारी बारिश के कारण मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। यहां 2 घर बाढ़ में बह गए हैं। मंदाकिनी में उफान से कई इलाकों में पानी भर गया है। ये 2 तस्वीरें भी आप देखिए किस कदर यहाँ पर पिथौरागढ़ और चमोली में हालात हुए हैं भारी बारिश की वजह से। चमोली में अलकनंदा नदी में भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। चमोली में देर रात से लगातार बारिश से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये 2 तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से कैसे तबाही मची है। और सीधे रुख करते हैं, सोनू सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, फिलहाल क्या ताजा हालात हैं वहां पर? देखिए दीपाली, रेस्क्यू किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है उनको जल्द से जल्द निकाल लिया जाए, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ये बात इस बात का दावा कर रहा था कि उसके पास पर्याप्त संसाधन है और जो आपदा प्रबंधन तंत्र है उसका जो ढांचा है उसको भी स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी थी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे उस पर प्रशासनिक तंत्र सेना के सहयोग से खरा उतरेगा, इस तरीके की उम्मीद की जा रही है। हालांकि जब इस तरीके के हालात आते हैं तो फौरी तौर पर जो क्षेत्र के लोग होते हैं वो ऐसे में ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। तो जो क्षेत्र के लोग हैं वो तो लगे ही हुए हैं, इसके अलावा जो रेस्क्यू करने वाली टीमें हैं वो भी रेस्क्यू में जुट गई हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके और किसी को भी जान माल का नुकसान ना उठाना पड़े। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में बारिश हो रही है और बारिश ने अब दुश्वारियां भी शुरू कर दी है। सोनू, यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया था, 7 दिन का अलर्ट जारी किया गया था, तो फिर क्या यहाँ पर प्रिकॉशंस रखे गए हैं? और अगर हम चमोली की बात करें तो वहां पर क्या फिलहाल ताजा हालात हैं? देखिए अभी भी पहाड़ के कई इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश के चलते जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और जब ये लगातार बारिश का सिलसिला लगातार सामने आ रहा है तो निश्चित तौर पर इससे जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ रहा है, तो जो नदियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरा सा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो प्रशासन तंत्र ने ये दावा किया था कि जो नदी तट पर लोग रह रहे हैं उनको एहतियात बरतनी चाहिए, यानी उनको अलग शिफ्ट हो जाना चाहिए, एक तो ये इस पर यहाँ गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता। दूसरी तरफ जहां पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है वहां पर कम से कम आपदा प्रबंधन तंत्र के अलावा पीडब्ल्यूडी और जो संबंधित एजेंसी है सरकार की उनको अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि जो लोग यात्रा करने आ जा रहे हैं चाहे वो कुमाऊं का एरिया हो चाहे वो गढ़वाल का एरिया हो वहां पर लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दूसरा, जिस तरीके से खाद्यान्न जैसी चीजें हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर कोई पहली बार नहीं है कि यहां पर नदी किनारे जो लोग होते हैं उन्हें चिन्हित पहले से क्यों नहीं किया जाता है और फिर पहले से क्यों नहीं प्रिकॉशन बरते जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। हर बार ही ऐसा देखा जाता है। सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। तो आपको बता देते हैं आखिर बादल कैसे फटते हैं। भारी नमी से लैस हवा अपने रास्ते में खड़ी पहाड़ियों से टकराती है जिससे एक खास तरह के बादलों का निर्माण होता है। बादलों को ऊपर की ओर धकेलने वाली हवा जब कमजोर पड़ जाती है तो अचानक ही इन बादलों से मूसलाधार बारिश हो जाती है जिसे बादल का फटना कहते हैं। बादल के फटने की घटना हमेशा धरती से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटती है। बादल फटने के दौरान आमतौर पर गरज और बिजली चमकने के साथ तेज आंधी के साथ भारी बारिश भी होती है। जब बादल फटता है तो अचानक तेज बारिश होती है और हालात बाढ़ और तूफान की तरह हो जाते हैं। बादल फटने के कारण होने वाली बारिश लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की दर से होती है और बादल फटने पर चंद मिनट्स के दौरान ही 2 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो जाती है। तो ये कैसे बादल फटता है ये हम कुछ जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। और लगातार सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, ये जानना चाहेंगे कि वहां पर सिर्फ जो लोकल पुलिस है या लोकल जो प्रशासन है वही इस कार्य में जुटा हुआ है या फिर और कोई टीम भी वहां पर जुटी हुई है राहत और बचाव कार्य के लिए?
देखिए अलर्ट की यदि हम बात करें तो तमाम जो सरकार से संबंधित आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सबके सब अलर्ट पर हैं। कंट्रोल रूम में कुछ एक्स्ट्रा लोगों को तैनात किया गया है ताकि जब भी कोई सूचना आए तो उसका मैसेज समय से फोर्सेस तक पहुंचाया जा सके और जरूरत पड़ती है जी हेलीकॉप्टर की तो हेलीकॉप्टर तक उसका मैसेज पहुंचाया जा सके। दूसरा जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है ये तो है ही है, इसके अलावा जो लोकल पुलिस है वो, जो पर्यटन से जुड़े लोग हैं वो, और जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जो लोकल स्तर पर जो प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दिया जाता है यदि कोई आपदा जैसे हालात बनते हैं तो वहां पर फौरी तौर पर, क्योंकि सबसे पहले क्षेत्र के लोग ही काम करते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को भी तैनात किया गया है। कुछ स्कूल के जो छात्र हैं उनको, जो स्काउट से जुड़े हुए हैं, एनसीसी से जुड़े हैं, उनकी मदद लिए जाने का भी बात कही गई है। तो ये तमाम जो फोर्सेज है, एसडीआरएफ है और पुलिस है जो लोकल है, इसके अलावा पर्यटन से जुड़े जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये तमाम लोग हैं, सबके सब अलर्ट पर हैं और जब कहीं कोई सूचना आती है तो निश्चित तौर पर सबके सब एकजुट होकर के आपदा प्रबंधन तंत्र के साथ ये रेस्क्यू में जुट जाते हैं। शुक्रिया सोनू, नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।